कम बोलने वाला इंसान हमेशा अपनी पसंद के लोगों के सामने ही खुल के बोल पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सरावत आपका निजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 17 अप्रैल का करंट अफेयर और प्रदेश के 11 जेलों में, प्रदेश के 11 जेलों में सीएनजी व पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे। ठीक है, हरियाणा प्रदेश की 11 जेलों में सीएनजी व पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे। इसमें से एक जेल में लगाया गया था, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ठीक रहा इसका काम। तो अब प्रदेश की जो 11 जेलों में है सीएनजी और पेट्रोल पंप वो लगाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि हरियाणा में कम्युनिटी किचन पहले 50 थी। ठीक है, हरियाणा में कम्युनिटी किचन पहले 50 थी, अब 100 खोली जाएंगी। ठीक है, जिनमें किफ़ायती दामों पर यानी कि कम दामों पर अच्छा खाना जो है वो लोगों को मिलेगा। और 23 अटल किसान मजदूर कैंटीन भी खोली गई थी, मजदूर कैंटीन जो हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड है उसके द्वारा जो मंडियों में ये खोली गई थी, 23 जगह पे अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली गई थी जिसमें 10 रुपये में खाना मिलता था। अब ये 25 और खोली जाएंगी, 25 जगह पर और ये अटल किसान मजदूर कैंटीन जो हैं वो हरियाणा में खोली जाएंगी। और हरियाणा में जो कम्युनिटी किचन है वो पहले 50 थी, अब 100 और वो खोली जाएंगी। ठीक है, 100 और वो खोली जाएंगी भाई। और कुरुक्षेत्र की जेल से ही मैंने आपको बताया था कि जो गेम कही है ट्रेनिंग वो भी कैदियों को दी जा रही है, जिसमें पूरे देश भर की जेलों के कैदियों के बीच में कंपटीशन वगैरह किए जाएंगे। झारखंड देश का पहला राज्य बना है सरोगेसी बोर्ड का गठन करेगा। ठीक है, जो सरोगेसी के तहत बच्चों को जन्म देते हैं उसमें क्या होता है, कई बार लोग लालच में आके बहुत ज़्यादा इसका गलत मात्रा में उपयोग करते हैं। तो झारखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने क्या किया है कि किराए की कोख पर रोक लगा दी है, किराए की कोख पर रोक लगा दी। ठीक है, और सरोगेसी बोर्ड का गठन ये करने जा रहा है ताकि किराए की कोख के नाम पे कोई भी गलत काम, कोई भी गलत धंधा, जो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो लोग बच्चियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ऐसा ना कर पाए। ठीक है, तो देश का पहला राज्य बना है झारखंड जो सरोगेसी बोर्ड गठन करेगा और किराए की कोख पर रोक लगाने वाला बना है। तमिलनाडु के मदुरई में चिथरई महोत्सव शुरू हुआ है अभी। ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई में चिथरई महोत्सव शुरू हुआ है मंगलवार से। ये एक महीने के लिए चलता है और इसमें भगदड़ भी मची है, तो वहाँ पे कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि कहाँ पे कौन सा पर्व या महोत्सव मनाया जा रहा है, तो तमिलनाडु के मदुरई में जो है चिथरई महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, एक और महोत्सव है पोइला बैसाख। पोइला बैसाख महोत्सव बांग्लादेश में मनाया गया। ठीक है, पोइला बैसाख जो है ये बांग्लादेश में मनाया गया है। ठीक है, और बांग्लादेश का आपको पता है कि 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था और बीमस्टेक का मुख्यालय भी बांग्लादेश में है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और वहाँ पे 20वां जो फिल्म महोत्सव भी अभी आयोजित किया गया था बांग्लादेश में। ठीक है, तो तमिलनाडु के मदुरई में चिथरई महोत्सव और पोइला बैसाख महोत्सव जो है वो बांग्लादेश में मनाया गया है। ठीक है, बांग्लादेश में मनाया गया है, नववर्ष का उत्सव मनाया जाता है, ये वहाँ पर नया साल जैसे लगता है उस तरीके का ये उत्सव मनाया जाता है। पीएनबी
ने 12 अप्रैल को, ठीक है, 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है भाई। पीएनबी कब बना था? 1894 में शुरू हुआ था। पीएनबी बहुत पुराने बैंकों में से एक बैंक है, ठीक है। पीएनबी ने अपना 128वां दिवस जो है मनाया है 12 अप्रैल को, ठीक है। हुनर हाट, हुनर हाट का 40वां संस्करण, ये हुनर हाट उनके लिए है जो कला संस्कृति में अपने कारीगरी वगैरह करते हैं, उसके अपने उत्पाद बनाते हैं, उनके लिए होता है ये हुनर हाट। इसका आयोजन अभी मुंबई में किया गया है, ठीक है, शिल्पकारों के लिए खासकर ये होता है। हुनर हाट का 40वां संस्करण जो है वो मुंबई में अभी आयोजित किया गया। 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में, ठीक है भाई, भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 अप्रैल, तो उसको समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने ये घोषणा की कि 14 अप्रैल को हर साल अब समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि समानता मतलब सारे एक समान होंगी, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी प्रकार का। तो ये सरकार ने घोषणा की कि 14 अप्रैल को हम समानता दिवस के रूप में मनाएंगे हर साल, ठीक है भाई। समुद्र तट महोत्सव 2022, समुद्र तट महोत्सव 2022 जो है इसका उद्घाटन पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने किया है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने, ठीक है। पुडुचेरी के उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है, ठीक है भाई। और समानता दिवस के रूप में याद रखना आपको कौन सा राज्य 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में आगे से मनाएगा, तो वो तमिलनाडु की सरकार है मनाएगी, ठीक है। जलमार्ग कॉन्क्लेव, जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन, ठीक है भाई, तो ये असम में किया गया है। असम में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है। और किस देश के, ये बड़ी उपलब्धि है बहुत, किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री 183 दिन बाद लौटे हैं, वे 183 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं, तो ये चीन के 3 यात्री थे, ठीक है, चीन के 3 यात्री थे जो 183 दिन अंतरिक्ष में रहे, और सबसे ज़्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है कि अंतरिक्ष में चीन के 183 दिन रहने वाले 3 अंतरिक्ष यात्री अब वापस लौट गए हैं, ठीक है भाई। आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण, ये एक मिसाइल है आयरन बीम, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने, ठीक है, इजराइल ने इसका सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है, ठीक है। इजराइल ने आयरन बीम नामक एक मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया है, ठीक है। अभी हाल ही में एक मिसाइल चर्चा में थी, नेपच्यून मिसाइल सिस्टम, ठीक है, ये यूक्रेन का था, इसने क्या किया था, रूस के मोस्क्वा युद्धपोत, बहुत काफ़ी फेमस युद्धपोत था ये रूस का मोस्क्वा, इसको नेपच्यून मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन के ने ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में दोनों के मैं नाम आपको बता दिए हैं कि नेपच्यून मिसाइल सिस्टम जो है वो यूक्रेन का था और रूस की मोस्क्वा युद्धपोत थी, ठीक है, और नेपच्यून मिसाइल सिस्टम ने रूस के मोस्क्वा युद्धपोत को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है भाई, ये ध्वस्त किया था अभी जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो आज की करंट के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट
बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।